हेलो विद्यार्थियों, तो आज से जो है फिजिक्स का क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट किया जा रहा है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 2005 से लेकर अब तक पूछे गए सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि जो एमसीक्यू है आपके, वो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन जो आप सभी के पास पहुँच जाएगा। इसके अलावा आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सभी लोग। और ये क्रैश कोर्स का डे 1 है, तो आप सभी लोग यहाँ पर जो है डेली क्लास अटेंड करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं ये सब टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार करते चलना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो अगर आपको मात्रक याद है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर इसमें से टिक कर देंगे, लेकिन अगर नहीं याद है तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = F/Q। अब यहाँ पर जो F दिया गया ये आपका बल है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसके अलावा ये आवेश दिया गया है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आपका कूलाम होता है। तो कुल मिला के सीधे सीधे क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका इसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर C जो आपको दिया गया, न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अगर आपको याद है तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो है मात्रक ज्ञात भी कर सकते हैं। अगला देखिए, वैद्युतशीलता का मात्रक बहुत पूछा जाता है। आपको कूलाम का नियम पता होगा, जिसमें आपको बताया गया है F = 1/4πε0। इसके अलावा Q1 Q2 / R2। तो यहाँ पर जो आपको ये दिया गया है F0, ये आपका क्या है, यहाँ पर विद्युतशीलता, इसका मात्रक यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपको इसका मात्रक निकालना है तो F0 आप यहाँ पर ले आइए। अब ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 / देखिए यहाँ पर 4π, ये आप इस तरफ लाएं तो F आपका कहाँ पर आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। इसके अलावा R2। तो अब देखिए ये आपका आवेश है, ये आपका आवेश, ये आवेश, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इनटू में हो जाएगा कूलाम, बट्टे में देखिए 4π, ये नियतांक है, नियतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और दूरी के लिए आप यूज करेंगे m², क्योंकि R² है। तो सीधे सीधे ये कितना बना, ये आपका बन जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका मात्रक हो गया। तो डायरेक्ट अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो विकल्प नंबर फर्स्ट दिया गया, ये आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका सही हो जाएगा। तो अगर जो भी आपका इस तरह का ऑब्जेक्टिव आए, तो अगर आपको मात्रक याद है तो डायरेक्ट टिक करेंगे, लेकिन नहीं याद है तो आप इस तरह से फॉर्मूले का यूज करके आप इसे चेक भी कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत विभव का मात्रक, बहुत ही सिंपल होता है। विभव का जो सूत्र होता है वो होता है V = W/Q। तो W यहाँ पर कार्य है, इसका मात्रक क्या होता है आपका, जूल होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्यू क्या है आपका, आवेश, तो ये आपका हो जाएगा कूलाम। तो कुल मिला के जूल प्रति कूलाम। तो अब जूल प्रति कूलाम आपको कहाँ पर दिया गया, जूल प्रति कूलाम आपको दिया गया विकल्प नंबर फर्स्ट में, जूल प्रति कूलाम। तो ये आपका यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी वैद्युत विभव का एक मात्रक होता है वोल्ट, तो वो भी आप याद रखिएगा, इसका एक मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसके अलावा देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान, तो याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान जो होता है वो यहाँ पर जो है आपका 1.6×10⁻¹⁹ जूल के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान जो होता है 1.6×10⁻¹⁹ जूल के बराबर होता है। तो इसका विकल्प नंबर B आपका ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध की विमा है। अगर सूत्र याद है आपको तो आप डायरेक्ट यहाँ पर टिक कर सकते हैं, ये जो होती है प्रतिरोध की विमा होती है। लेकिन अगर नहीं याद है तो ध्यान दीजिए, सूत्र होता है V = I×R। ये तो आपने ओम के नियम में पढ़ाई होगा सभी लोगों ने। तो अगर यहाँ से आप प्रतिरोध निकालें यानी कि R, तो I इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी कि V/I। आप चाहे तो आप विभव और यहाँ पर जो धारा दी गई है इसका सूत्र यूज कर लीजिए, या फिर आपको पता है अभी मैंने बताया था विभव बराबर होता है W/Q, विभव की जगह पे W/Q इनटू में आई,
तो अब जब यहां पर आप इसकी विमा ज्ञात करेंगे तो विमा के लिए ध्यान दीजिए, W यानी कि कार्य, कार्य का विमीय सूत्र होता है M L स्क्वायर T की पावर -2, ये हो जाएगा कार्य का विमीय सूत्र। बट्टे में आ जाइए, आवेश, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, और यहाँ पर धारा यानी कि एम्पियर, इसका विमीय सूत्र होता है आपका A। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिया गया है M, इसके अलावा देखिए ये आपका हो जाएगा L स्क्वायर। अब टी ध्यान दे दीजिए, ये -2 दिया गया था, ये टी इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में जाएगा, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, टी की पावर -3। इसके अलावा ए ध्यान दीजिए, ये वाला और ये वाला गुणा होगा तो ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए की पावर -2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -2, तो ये आपका जो है प्रतिरोध की विमा आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपको याद है विमीय सूत्र तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं याद है तो आप इस तरीके से यहाँ पर ज्ञात भी कर सकते हैं। लेकिन सिंपल कुछ फॉर्मूले हैं जिनके विमीय सूत्र याद होने चाहिए, जैसे कि बल हो गया, कार्य हो गया, लंबाई हो गई, आवेश हो गया, धारा हो गई, जितने आपके 7 मूल मात्रक बताए गए उनके विमीय सूत्र जरूर याद कर लीजिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर विमीय सूत्र ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं आएगी। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवाह वेग यानी कि वीडी में संबंध है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा एन जो है उसकी संख्या है। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है आपका जे बराबर NeVd, ये आपका धारा घनत्व का सूत्र होता है, ये सभी को याद होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि आवेशित कण का वेग जो है 2 गुना और चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो यहाँ पर आवेश के मार्ग यानी कि पथ की त्रिज्या क्या होगी। तो आपको पथ की त्रिज्या का सूत्र पता होना चाहिए, तो पथ की त्रिज्या का सूत्र होता है R बराबर MV/QB, इतना सूत्र होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या बोला गया कि अगर वेग 2 गुना कर दिया जाए तो त्रिज्या आपको बतानी है, इसको हम लोग मान लेते हैं आर डैश। अब आपका वेग 2 गुना हो जाएगा तो एम वेग, जहां पर वी था उसकी जगह पर कितना यूज करेंगे, 2V, बट्टे में आ जाइए, आवेश वही रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र का मान बोल रहा है आधा कर दिया जाए, तो जहां पर बी था उसकी जगह पर हो जाएगा B/2। अब 2 पलट के ऊपर आएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बाकी यहाँ पर हो जाएगा MV और बट्टे में हो जाएगा QB। तो देखिए ये MV/QB, इसका मान किसके बराबर था, R के बराबर था, तो R डैश बराबर 4 और इसकी जगह पर हो जाएगा R। तो कुल मिला के जो नए पथ की त्रिज्या होगी वो पहले वाले त्रिज्या की 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका जो विकल्प यहाँ पर दिया गया है सेकंड, 4 गुनी, ये आपका यहाँ पर सही होगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला देखिए, कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता, तो यहाँ पर बात हुई है चुंबकशीलता, चुंबकशीलता को म्यू आर से भी लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हुई है, अनुचुंबकीय पदार्थों की। बाकी आप जानते हैं यहाँ पर कौन कौन से पदार्थ होते हैं, एक आपके होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय, इसके अलावा अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, इन पदार्थों के बारे में जो है आप लोगों ने पढ़ रखा है अच्छे से पहले से। तो यहाँ पर बात हुई है चुंबकशीलता की, तो याद रखिएगा कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनकी चुंबकशीलता हमेशा 1 से कम होती है, लेकिन जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनकी चुंबकशीलता का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, और जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनका मान भी लगभग 1 से अधिक ही होता है, 1 से बहुत ज़्यादा आप बोल सकते होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर बात किसकी हुई है, अनुचुंबकीय पदार्थों, और अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है, मतलब greater than 1, ये आपका यहाँ पर जो है इसमें सही हो जाएगा, 1 से ज़्यादा ही यहाँ पर अनुचुंबकीय मान होता है चुंबकशीलता का। इसके अलावा हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, तो याद रखिएगा कि हेनरी प्रति मीटर जो होता है ये आपका चुंबकशीलता का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, चुंबकशीलता का, हेनरी प्रति मीटर जो है ये आपका चुंबकशीलता का मात्रक होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए,
करें कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है, तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो हम लोग लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं, जिसमें आपको बताया गया है लेंज के नियम में कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण जो है वो स्वयं उत्पन्न होती है। तो कुल मिला के प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? ये आपकी लेंज के नियम के द्वारा जो है यहाँ पर ज्ञात की जाती है प्रेरित धारा की दिशा। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, कह रहा है कि प्रेरकत्व का मात्रक है, तो यहां पर जो प्रेरकत्व का मात्रक होता है ये आपका होता है ओम सेकंड। कितना होता है? ओम सेकंड। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं याद है तो एक सूत्र आपको बताया गया है, ये होता है आपका एल डी आई बटे डीटी। एल आपका प्रेरकत्व, तो अगर यहाँ से आप एल निकालेंगे तो ये आपका दिया गया एप्सिलॉन नॉट, ये डीटी इधर आ जाएगा आपका, तो इनटू में हो जाएगा डीटी और बटे में आ जाएगा डी आई। इतना हुआ। तो अब अगर आप यहाँ पर इसका क्या ज्ञात करते हैं? मात्रक। तो मात्रक इसका होता है, यहाँ पर ये विद्युत वाहक बल होता है, इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। डी टी यानी कि समय, इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड, और बटे में डी आई इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। और इसके अलावा जो वोल्ट प्रति एम्पियर दिया गया है, वोल्ट प्रति एम्पियर आपका बराबर होता है ओम के, और इसके अलावा आगे दिया गया है सेकंड। यहाँ से जो आपको ये दिया गया है इतना, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर, ये किसके बराबर होगा? ये आपका बराबर होगा ओम के। तो ये कितना आ जाएगा? ओम सेकंड। इसीलिए मैंने बताया कि इसका जो पहला विकल्प दिया गया है यहाँ पर ओम सेकंड, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि किसी एलसीआर, यहाँ पर देखिए किस परिपथ की बात हुई है, एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा लगाई गई उल्टता के बीच का कलांतर। यहाँ पर धारा और उल्टता के बीच का कलांतर, देखिए सूत्र होता है टेन फाई बराबर, यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा एक्स एल रेफरेंस एक्स सी बट्टे में हो जाएगा आर। इतना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एल सी आर परिपथ में किसकी बात हुई है? अनुनाद की स्थिति में, और यहाँ पर अनुनाद की स्थिति आपको पता होना चाहिए कि अनुनाद में जो है यहाँ पर आपका जो एक्स एल होता है ये हमेशा एक्स सी के बराबर होता है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन फाइव बराबर, जब दोनों बराबर हैं तो ये घटने के बाद कितना आएगा? सीधे सीधे जीरो आएगा, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में आपको बताया गया कि एक्स एल जो होता है ये एक्स सी के बराबर होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जब दोनों बराबर हैं तो घट जाएंगे तो जीरो आ जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा? आर, और आर से आप जीरो को भाग करेंगे तब भी जीरो आएगा, तो कुल मिला के फाई का मान कितना मिल जाएगा आपको? जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी जो दिया गया आपका शून्य, ये सही हो जाएगा। तो एलसीआर श्रेणी परिपथ में जो है अनुनाद की स्थिति में धारा और उल्टता के बीच का जो कलांतर होता है वो हमेशा कितना होता है? शून्य होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान है, देखिए एक सूत्र होता है सी बराबर वन अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका हम लोग क्या कर दें? वर्ग कर दें। वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा वन अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका अंडर रूट हट जाएगा। तो जब इसको इधर लाएंगे आप यहाँ से, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ये बट्टे में आ जाएगा आपका वन अपान सी स्क्वायर, यानी कि वन अपान सी यहाँ पर प्रकाश की चाल होती है और इसका मान होता है 3×10^8 का होल स्क्वायर। तो सी यानी कि प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको दिया गया है 1/3×10^8 का होल स्क्वायर। तो इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया है आपका, ये यहाँ पर सही होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसका मान ज्ञात करेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इस तरीके से आप यहाँ पर इसका मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि यदि ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा
अनुदिश होगी। ये हमेशा यहाँ पर जो है ई क्रॉस बी, इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया है आपका सदिश ई क्रॉस बी, तो ये आपका यहाँ पर जो है इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो आज मैं आप सभी को यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बाकी इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको सेकेंड लेक्चर में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को शेयर करिएगा, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।